वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भयाय, रामा राम प्रगट भयाय। जे हर ही नैनन कभी निरखे नहीं अखाय, सयावर राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चरण में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की कथा। तो चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए कथा की ओर। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपने और हमने पिछली कथा में, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि भरत जी का प्रयागराज में तक पहुंचना, प्रयागराज में स्नान करना और उसके बाद ऋषि भरद्वाज जी से उनकी भेंट हुई है। और ऋषि भरद्वाज जी भिन्न भिन्न तरह से उनको सतावना दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि श्री राम के वो अति प्रिय हैं, इसीलिए भरत जी से कह रहे हैं कि वो शोक ना करे। ऐसे भरत जी को बार बार समझा रहे हैं हमारे ऋषि भरद्वाज जी। तो आइए हम भी सुनते हैं ऋषि भरद्वाज और भरत जी का संवाद और चलते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आपको 1% भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय सियाराम। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हर ही नैननी कभू निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में से भगवान श्री राम प्रकट हुए, जिन्हें महादेव अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए हैं। कीर्ति विधु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करो जिए जाए, डरो दरे धरी पार उस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में गिलानी कर रही हो, पारस पाकर भी तुम दृढ़ता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न के उदासीन तापस बने रहे, सब साधने करे सुफल सुहावा। लखनी राम सिए धरे सन पावा। भट्टवाज जी कह रहे हैं, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते हैं और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, सब साधनों का उत्तम फल है। हमें लखन जी, राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फल उदर से तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभग हमारा। भरत धान्य तुम जसु जग जय, कहीं अस प्रेम मगने मुनि भयो। भरत जी, सीता लखन राम का दर्शन उस महान फल का परम फल यह है कि हमने तुम्हारा भी दर्शन कर लिया, क्योंकि तुम्हारे कारण ही तो हमें मेरे राम का दर्शन हुआ। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। और ऐसे कहकर मुनि प्रेम मगन हो गए हैं। सुने मुनि वचन सभासद हरिषे, साधु सराहि सुमन सुरे भरिषे। धन्य धन्य धुनि गगन पियागा, सुनी सुनी भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम उसी है, सजल सरो रो नैन रामा, सजन सरो रो नैन। करी परिणाम मुनि मंडली, बोले गदे गदे बैन, से आवर राम जय जय राम।
भरतवाज जी का शीर पुलकित है, हृदय में सीताराम है और कमल के स्वर्ण नेत्र जल से भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, क्या बोल रहे हैं? मुनि समाज रुधिर थे राजू, साची हूँ सपद अखाई अखाजू, यही थल जो किछु कहें बनाई, यही सम अधिक ना अघे अधे माई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यह सच्ची सुगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पापी और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूं सती भाव और अंतरियामी रघुराओ, मोहे ना मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जुग जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ के हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी सत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कई की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना ही डरूं बिगड़े पर लोक, पितु मरण कर मोहे ना सोकु, सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। ना ही मुझे ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, पिताजी के मरने का भी मुझे शोक है। मुझे ना तो इस बात का डर कि मेरा परलोक बिगड़ेगा और मैं नरक में जाऊंगा, ना ही पिता के मरने का शोक, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुश विश्व भर में सुशोभित है कि उन्होंने मेरे राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए हैं। राम वीरे तजितनो चन भंगु, भूप सोच कर कभने प्रसंगु। राम और ना ही मुझे मेरे परलोक में ऐसा है कि मुझे नरक मिलेगा, ना ही मुझे मेरे पिता के जाने का शोक, क्योंकि उनको तो राम पुत्र मिले, राम लखन जैसे पुत्र मिले हैं। राम भिरे तजुतन क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिए बिनु पग बनही, करी मुनि भेष फिरे बन बनही। फिर जिन्होंने राम के भिरे में अपने क्षण भंग को श्री को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग। सोच तो इस बात का है कि मेरे राम लखन और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं। अजिन बसन फले असन मही, साइन डासी कुस पात, बसी तरु तर नित सहत हिम आदप वर्षा बात। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित सर्दी गर्मी वर्षा हो सकते हैं। मुझे उनका दुख है, ए दुखदाई दहे दिन छाती, भूख ना बासर नींद न राती, एही करोग कर औषध नाई, साध्यों सकल विषव मन माही। इसी दुख की जल से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे ना दिन में भूख लगती है ना रात को नींद आती है। मैंने मन में स्वस्थ विषय को खोज डाला पर उस रोग की औषधि नहीं है। मातु कुमत बड़े यगमूला, ते ही हमार हित कीन बसूला, करी को काट कर कीन को जंतरु, गाड़ी अवध पड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत पापों का मूल बड़ई है, उसने हमारे हित का वसूल बनाया, उससे कलहड़ रूपी कुकाट का कुअंतर बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बड़ई है और भरत को राज्य वसूला, राम का वनवास कुयंत्र और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहे लगे यह कुठाट ते ही ठाठा, घाले सी सब जुग बाहर बाटा, मिटे को जोग राम फिरे आए, बसे अवध नहीं आन पाए। मेरे लिए उसने सारा साज रचा और सारे जगत को बाहर बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, तभी योद्धा बच सकती है और दूसरे किसी उपाय से नहीं बचेगी। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, सब एक बहु बात बढ़ाई,
तात करो जनि सोच विशेषो, सब दुख मिटे राम पग देखो। भरत के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, सभी ने बहुत प्रकार से उनकी सराहना की कि हे तात अधिक सोच मत करो, राम के चरणों के दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी पर भोदे मुनि बर कयो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंदे मूल फल फूल हम देहि लेओ करि छो। इस प्रकार श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा कि आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके ये कंद मूल फल फूल जो कुछ भी हम दे उसे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचने भरत ही सोचो, भयो को अवसर कठिन संकोचो, जानि गरुहि गुरु गिरा बहोरे, चरण बंदे बोले करे चोरी। मुनि की वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ, यह वैमोह का बड़ा भेदक संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी ने उनकी वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं, सिर धरी आए सो करे तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा, भरत बचने मुनि बरे मने भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ आपकी आज्ञा से चढ़ाकर पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे, उन्हें विश्वास पात्र शिव को शिष्य को पास बुलाया। चाहे कीने भरत पहुनाई, कंदे मूले फल या न हो जाए, भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज से धाए। भरत जी पौनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पहनो बड़े नेता, आसी पूजा चाहे जस देता, सुनि रिद सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करे गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होती है। ये सुनकर रिद्धियां और उन्मादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गुसाई आपकी आज्ञा हो मैं हम करें। राम बिरे व्याकुल भरत सानज सहित समाज, पहुनाई करि हरो श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी राम जी के भ्रह में व्याकुल हैं, उनके अतिथि सत्कार करके उनका श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सर धर मुनि बर बानी, बर भागन आपो अनुमानी, कहीं परस पर सिरि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाय। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। पुनि पद बंद करें सोए आजो, होए सुखी सब राज समाजो, अस कहीं राचे और चिर गृह नाना, जे ही बिलो कबिल खाही विमाना। अत मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिसे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान में भी लगते हैं। भोग विभूत भूरे भरे राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे, दासी दास साजू सब लीने, जोगवत रही मनु मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य के ठाट बाट सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाए। ऐसी सिद्धियां थी भरतवाज ऋषियों में ऋषि मुनि में जिन्होंने देखो इतने मेहमान आ गए जंगल में पर्णकुटी में, तो स्वयं रिद्धि सिद्धि को बुला लिया अपने योग माया से कि नीचे आइए और हमारे घर में मेहमान आए हैं इनकी सेवा कीजिए, मेरे राम के भाई आए हैं। और रिद्धि ऐसे दिए ने आकर अपनी योग माया अपनी माया बिखेरी और ऐसे घर बनाए हैं सुंदर और उसमें इंद्र के स्वर्ग जैसे ठाट बाट हैं। दासी दास सब प्रकार से सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनो देखते रहे, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि फल पाई,
जेसु कुसुर पर सपने ओनाई प्रथमे बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं ऐसे सब समान की सिद्धियों ने पल भर में सच दिए और पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसे थी वैसे सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए बहुर सब परिजन भरत कहूँ ऋषि से आय सुदीन विधि विषय मय दाव को मुनिवर तप बल की और फिर कुटुंब सहित भरत को दिए क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका तब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत बिरधि सिसरे ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि प्रभाव को देखा तो उसने सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों को लोक तुच्छ जान पड़े सुख की सामग्री वर्णन नहीं हो सकती जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी विरागे भूल जाते हैं ऐसा सुख समृद्धियां आकर उस वन में विराज गई। आसन शयन सुबसन बिताना बनवाटिका विहग मृगनाना सुरभि फूल फल अमे समाना विमल जलाशय विविध विधाना आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवा वन बगीचे भांति भांति पक्षी पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय असन पान सूचि अमे अमयी से देखि लोग सुकाचत जमी से सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सची के कथा अमृत के भी अमृत श्री के पवित्र खान पान के पदार्थ जिन्हें देखकर सब लोग सही में पुरुष की भांति से कुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवंचित वस्तु देने वाले काम धेनु और कल्प वृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणियों को भी विलासा होती है उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत भय तिरवद ब्यारी सब कहे सुलभ पदार्थ जारी स्त्रक चंदन बनितादिक भोगा देख हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि को तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे कहीं में असक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को ना त्याग दे। संपत्ति चके भरत चक मुनि आए से खिलवार तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। संपत्ति चकवी और भरत जी चकवा और मुनि किया गया खेल जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही सवेरा हो गया। बहेली के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे को रात को संयोग नहीं होता वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियां साथ रहने पर भी भरत जी मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया क्यों क्योंकि उनका मन लगा है मेरे राम जी के चरणों में। तो हमने देखा आज की कथा में कि किस प्रकार भरद्वाज जी से भरत जी का मिलन होता है और भरद्वाज जी ने अपनी योग के बल पर रिद्धि सिद्धियों को वन में बुला लिया क्योंकि वहां पर शाही परिवार से अयोध्यापुरी से राजा राम के हमारे राम भगवान के पारिवारिक सदस्य आए हैं अयोध्यापुरी के लोग आए हैं तो भरद्वाज जी सोचते हैं कि इनकी मनोहार हम कैसे करेंगे ठाट बाट भी होना चाहिए जैसे आजकल होता है ना जंगल में मंगल ये सब वही सिद्धियां हैं असल में जो उस भगवान की ओर से कृपा हुई हुई है। हम किसी भी जंगल में चले जाएं तो वहां पर भंडारे लग जाते हैं मेरे राम के नाम पर बड़े बड़े और हर चीज मिलती है आपको भंडारों में अगर लगाने पर आ जाए तो। सनातनी आपने देखा होगा कि जहां पर लोग चढ़ने में समर्थ नहीं होते हमारे अमरनाथ जी में जो जाते हैं वहां पर कहते हैं ऐसे भंडारे ऐसे भोग लगे होते हैं जो हमने पूरे उम्र में नहीं खाए होते ऐसे से भंडारे लगाए जाते हैं तो यही तो है सुख। तो जंगल में मंगल करता है जैसे भरद्वाज ऋषि ने कर दिया कि हर खाने पीने की वस्तु वहां पर उपलब्ध हो गई रहने के लिए आराम हो गया वैसे ही वहां होता है अमरनाथ में रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है अच्छे टेंट होते हैं खाने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है। वैसे तो हमने कभी घर में नहीं खाया होता
वैसे ही यहाँ मेरे राम के भक्ति में जिन्होंने अयोध्या छोड़कर पैदल चल पड़े जंगल की ओर, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या खाएंगे रास्ते में, क्या पिएंगे जंगल में, तो उन्होंने तो नहीं सोचा ना ये सब इंतजाम किसने किया है, मेरे राम की कृपा से हुआ है। तो आज की कथा को महासापरायण उन्नीमा विश्राम हम यहीं पर विश्राम देते हैं, और कल और अगली कथा में देखेंगे कि किस प्रकार भरत जी यहाँ से अपना पड़ाव आगे डालते हैं और मेरे राम के कितने नजदीक पहुँचते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम। जय श्री राम।